Hello everyone, good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. I am also fine. So, आज जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है सॉलिड डोजेस फॉर्म. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डोजेस फॉर्म क्या होता है, डोजेस फॉर्म की एडवांटेजेस क्या हैं और टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म. बट आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे डोजेस फॉर्म का कोई एक टॉपिक उठा लेंगे, जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म. तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि सॉलिड डोजेस फॉर्म आखिर में होता क्या है. चलो स्टार्ट करते हैं. सॉलिड डोजेस फॉर्म्स आर अवेलेबल मोस्टली इन यूनिट डोजेस फॉर्म्स सच एज टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, कैचेट्स और पाउडर्स. आपने देखा कि जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है वो मोस्टली अवेलेबल होती है इन यूनिट डोजेस फॉर्म. यूनिट डोजेस फॉर्म मैंने आपको बताया था कि सॉलिड डोजेस फॉर्म दो टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज योर यूनिट डोजेस फॉर्म और सेकेंड वन इज योर बल्क. जो आपकी सॉलिड डोजेस फॉर्म है वो यूनिट डोजेस फॉर्म में, एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे आपके टैबलेट्स होगी, कैप्सूल्स होगी, पिल्स होगी, कैचेट्स होगी और पाउडर्स होगे. मतलब सॉलिड डोजेस फॉर्म में जो यूनिट डोजेस फॉर्म है, यूनिट डोजेस फॉर्म के अंदर जो आते हैं वो आती है आपकी टैबलेट हो गई, जैसे कैप्सूल्स हो गए, पिल्स हो गई, पाउडर्स हो गए, ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती हैं, ये आती हैं यूनिट डोजेस फॉर्म के अंदर. और मेनली आपने देखा होगा जो आप मेनली यूज करते होंगे वो मेनली यही करते हैं, जैसे टैबलेट्स वगैरह लेते हो, कैप्सूल वगैरह लेते हो, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके सॉलिड डोजेस फॉर्म के. दे आर इफेक्टिव एंड पेशेंट हैव नो प्रॉब्लम इन देयर हैंडलिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. देखो दे आर इफेक्टिव, ये इफेक्टिव भी हैं देखो. और जो पेशेंट होता है, पेशेंट हैव नो प्रॉब्लम, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना उसकी हैंडलिंग में. देखो हैंडलिंग, जब उसको हैंडल करोगे हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आइडेंटिफिकेशन, आप उसकी कलर से भी पहचान सकते हो, उसकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो बहुत यूनिक सी होती है, आइडेंटिफिकेशन होगी. एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और उसको एडमिनिस्टर का मतलब होता है लेना, जब आप उसको लेते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. सम सॉलिड्स आर पैक्ड एंड सप्लाइड इन बल्क. बट उसमें क्या होता है कि जो आपकी सॉलिड फॉर्म जो होती है, जो सॉलिड होती है, सम सॉलिड कैसे होते हैं वो पैक होते हैं और उसकी जो सप्लाई होती है वो बल्क की फॉर्म में होती है, मीन्स की पाउडर की फॉर्म में होती है. आप लोगों ने भी देखा होगा जैसे कि आप पाउडर वगैरह लेते हो, जैसे बल्क फॉर्म मीन्ट फॉर इंटरनल यूज. जो बल्क होता है, जो पाउडर होता है, उसका इंटरनल यूज भी होता है. आर सप्लाइड आइदर एज ग्रेन्यूल्स और फाइन पाउडर. वो ग्रेन्यूल की फॉर्म में भी मिल जाता है और आपका फाइन पाउडर की फॉर्म में भी मिलता है. द बल्क पाउडर्स मिंट फॉर एक्सटर्नल आर डस्टिंग पाउडर्स, इनसफ्लेशन, स्नफ्स एंड टूथ पाउडर्स. जो आपके बल्क पाउडर होता है उसका एक्सटर्नल यूज के लिए भी उसका यूज किया जाता है, जैसे कि आपके डस्टिंग पाउडर हो गए, इनसफ्लेशंस लेते हैं, स्नफ्स लेते हैं, डेंटिफ्राइजेस जो मतलब टूथ के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, दांतों के लिए जो पाउडर यूज किया जाता है उसको डेंटिफ्राइजेस भी बोलते हैं. अब मैं आपको इन सब के ऊपर एक डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग करके एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक बनाया करूंगी जिससे आप लोगों को समझ आ जाए. सो आई होप आपको सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.